हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। लास्ट वीक में भारतीय शेयर बाजार में केवल तीन ट्रेडिंग सेशंस हुए। 5 दिन में से केवल तीन ट्रेडिंग सेशंस हुए, तो एक ट्रंकेटेड वीक था और बहुत कम ट्रेडिंग सेशंस हुए। लेकिन उन तीन ट्रेडिंग सेशंस में भी भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी देखी गई। चारों तरफ लाल रंग देखे गए भारतीय शेयर बाजार में। तो वीकनेस तो थी, मार्केट वोलेटाइल भी बहुत था और साथ में मार्केट में एक इनडिसाइसिवनेस था। बेयर्स एंड बुल्स के बीच में जो युद्ध चलता है, ना बेयर्स हावी हो पा रहे थे ना बुल्स हावी हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी कुछ और करेक्शंस की हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम अपने आप को तैयार करेंगे आने वाले वीक के निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। प्राइस एक्शन के आधार पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या पॉसिबल हो सकते हैं आने वाले वीक में, जिसे शायद मार्केट रिस्पेक्ट करे, उसको निकालने की चेष्टा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड। सबसे पहले पिछले वीक में भारतीय शेयर बाजार में परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसका एक आउटलुक लेते हैं। तो टॉप 4 सेक्टर्स जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में, वो सारे बेरिश रहे। फाइनेंशियल्स 2.15% की गिरावट के साथ में क्लोज हुआ। वहीं आईटी सेक्टर में गिरावट थी 0.55, तो कंपैरेटिवली आईटी सेक्टर में वीकनेस कम देखी गई। और एफएमसीजी सेक्टर 1.36% से गिरा। वहीं ऑयल एंड गैस सेक्टर में गिरावट थी 1.83% की। अगर मिड कैप इंडेक्स को देखें तो मिड कैप इंडेक्स 50 स्टॉक्स का जो इंडेक्स है वो 1.73% से गिरा, और स्मॉल कैप इंडेक्स 50 स्टॉक्स वाला जो इंडेक्स है वो 1.25% से गिरावट उसमें दर्ज की गई। तो ब्रॉडर मार्केट में एक बेरिश मूव देखा गया पिछले वीक में, वीक ऑन वीक बेसिस पे। अब मेजर सेक्टर में अगर गिरावट थी तो ऑब्वियसली फ्रंटलाइन इंडेक्स में भी गिरावट होगी। तो निफ्टी 50 पिछले वीक में गिर गया 1.02% से वीक ऑन वीक बेसिस पे। वहीं बैंक निफ्टी में गिरावट और अधिक थी, 2.59% से ये गिर गया। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर कंपेयर करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो इंडेक्स है वो 2.71% से गिरा, वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक का जो इंडेक्स है वो 2.08% से गिरा। तो ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी पिछले वीक में ऑब्वियसली देखी गई। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट का सेंटिमेंट्स में कुछ परिवर्तन आया पिछले वीक में, क्या मार्केट का सेंटिमेंट्स और खराब हुआ है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें क्या इंडिकेट करते हैं, चलिए उसे समझने की। वैसे तो मार्केट मूड इंडेक्स जो फियर एंड ग्रीड को निफ्टी 50 में इंडिकेट करता है वो फियर जोन में है जब वीक की समाप्ति हुई, और इसके पहले वाले वीक में भी जब वीकली एनालिसिस का वीडियो आया था तो वो फियर जोन में ही था, लेकिन रीडिंग में परिवर्तन आया है। जब लास्ट वीक की समाप्ति हुई तो मार्केट मूड इंडेक्स की रीडिंग थी 37.07, जबकि उसके पहले वाले वीक में इसकी रीडिंग थी 46.65। तो मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब तो जरूर हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां टेक्निकल एनालिसिस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, और आने वाले वीक के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। विलिंग टू सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट, जॉइन डीकेज डायमंड क्लब चैनल मेंबरशिप फॉर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। लर्न स्ट्रेटजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। जॉइन नाउ एंड अटेंड आवर वीकली मीटिंग्स एवरी संडे। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का वीकली प्राइस चार्ट है।
इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 21,352.6 पे और इस तरह से ये 1.02% की गिरावट के साथ में बंद हुआ वीक ऑन वीक बेसिस पे। पिछले दो वीक से मार्केट गिर रहा है और इस दो वीक के दौरान मार्केट करीब 2.5% से टूटा है। लेकिन अगर हम इस पैराबोलिक राइज को देखें वीक ऑन वीक, तो फिर ये गिरावट अभी भी हम इसे शैलो गिरावट ही बोलेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर को मार्केट को देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में एक मेजर गैप यहाँ एडजस्ट करता है, बट अगर टेक्निकली देखें तो ये एक ब्रेक अवे गैप की कैटेगरी में आता है और इस गैप के ऊपर में है EMA 21। अगर वीकली चार्ट में बात करें कि अगर हेल्दी करेक्शन होता है तो यहाँ पर EMA 21 काफी नीचे है, 20,560 के आसपास में, 20,567 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का क्या इंडिकेट कर रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं। सबसे पहले हम इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें। प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, और ये ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ, सब्सटेंशियल वॉल्यूम में राइज देखा गया। यहाँ पर लोअर फाइबर को देखें तो सपोर्ट है, सपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं राइजिंग वेज का ब्रेकआउट है जो प्राइस के एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये राइजिंग ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। और इसके अलावा अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो प्रायर इंपल्सिव वेव काफी बड़ी वेव थी। इस वेव की शुरुआत हुई 18,837 से और फाइनली ये वेव कहां तक गई, ये वेव गई 22,124 जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी 50 का। और यहां पर अगर हम देखें तो अगर इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो इस वेव की रिट्रेसमेंट एनालिसिस से 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो आता है वो आता है 20,800 पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहां तक भी करेक्शन होता है तो वो शैलो ही करेक्शन की कैटेगरी में आएगा, और अगर डीपर करेक्शन होता है हेल्दी करेक्शन तो फिर 61.8% काफी दूर है, 20,031 पे उसकी वैल्यू है। तो ये सारी संभावनाओं को हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो प्रायर वीक की कैंडल जो गिरी थी, जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, वॉल्यूम काफी ज्यादा था, लेकिन उसके बाद में जो फॉलो थ्रू कैंडल है उसमें वॉल्यूम घटता नजर आया है और नीचे एक शैडो है जो इंडिकेट करती है कि प्राइस में रिकवरी आई है। मोमेंटम को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर RSI जो है अभी भी बुलिश टेरिटरी में नजर आ रहा है और फोर्स इंडेक्स भी बुलिश टेरिटरी में नजर आ रहा है, तो मोमेंटम भी अच्छा है फिलहाल। ऐसा मोमेंटम में बहुत बड़ा लॉस नहीं देखा जा रहा है। करेक्शन तो पैराबोलिक राइज के बाद एक्सपेक्टेड था, जैसे ये पैराबोलिक राइज हुआ तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ और यहाँ पर फिर रिकवरी आई, काफी बड़ा मूव था, फिर ये करेक्शन है, तो ये करेक्शन तो हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना आने वाले वीक के लिए। पहले तो ये जो बेरिश कैंडल है, लास्ट कैंडल, इसका मीडियन कहाँ आ रहा है, 21,535, तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो ये लेवल हो गया और ये लेवल जस्टिफाई भी करता है प्राइस एक्शन से। पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बना, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अब प्राइस में क्या करेक्शन होके 38.2% तक प्राइस जाएगी, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब 21,300 के नीचे ये ट्रेड होने लगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस प्रायर इंपल्सिव वेव का 23.6% जो रेजिस्टेंस लेवल है और रिट्रेसमेंट लेवल है उसको मार्केट अभी डिफेंड कर रहा है। वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कब होगा, जब मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे देगा क्लोजिंग बेसिस पे, और तब संभावना काफी प्रबल हो जाएगी कि मार्केट इस जोन में आ सकता है 20,800 से 20,950 के जोन में। चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में और इस प्राइस एक्शन को फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। अब 20,950 क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। ये गैप क्रिएट हुआ था 14 दिसंबर 2023 को और इस गैप के स्लाइटली ऊपर में है EMA 55। ये अपने आप में एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करेगी
और यहाँ पर राइजिंग ट्रेंड लाइन जो हमने खींची वो भी इस जगह पे आ रही है। तो वर्चुअली अगर देखा जाए तो 20,800 से 20,950 का जोन एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी 50 में। दूसरा, अगर ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में अगर टिपिकल करेक्शन हुआ तो 127.2% एक्सपेंशन तक प्राइस जाएगी, तो उसे निकालते हैं। तो वो कहां पे आता है, ये देखिए वो आता है करीब 21,090 पर। तो ये तो हो गया टिपिकल करेक्शन। अब प्राइस वहां तक आएगी तो ईएमए 55 को जरूर टेस्ट करेगी, और इसी कारण से मैं बोल रहा हूं कि अगर एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ तो 20,800 लेवल जो है वो आता है 161.8% एक्सपेंशन, और वो कंसाइड करता है कहां से, 38.2% एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट लेवल जो अभी हमने वीकली चार्ट में देखा, और यहां पर गैप है। तो ये जो जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है अलग अलग स्टडीज के अनुसार, और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट के रूप में काम करेगी, ईएमए 55 भी सपोर्ट के रूप में काम करेगी। अब अपसाइड की बात करें तो एक तो मीडियन हो गया जो 21,531 है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में पोज करेगा क्योंकि उस मीडियन में ईएमए 21 भी इंटरवीन कर रही है, और उसके बाद रेजिस्टेंस कहाँ है, 21,750, जहां पे प्राइस बार बार रिजेक्शन दिखा रही है। लेकिन ये जो आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है, ये आइलैंड हमेशा प्रॉब्लम पोज करेगा, रियल मोमेंटम निफ्टी में तब डेवलप होगा जब प्राइस 21,970 के ऊपर में ट्रेड होती है। मतलब ये आइलैंड हो गया, दिस इज द आइलैंड एरिया एंड दिस इज द मेनलैंड एरिया। तो ये मेनलैंड में प्राइस फिलहाल ट्रेड हो रही है, जब ये आइलैंड में ट्रेड होने लगेगी तब फिर अपसाइड मोमेंटम ट्रू सेंस में इसमें बनेगा। तो फिलहाल तो अभी हम कंक्लूड करते हैं कि आने वाले वीक में 20,800 से 20,950 एक सपोर्ट है और एक इंटरवीनिंग सपोर्ट है। यहाँ देखिए ये कैंडल जो है इसका रेंज जो है वो इंटरवीनिंग सपोर्ट कहाँ पर है, 21,200 से 21,300। और अपसाइड में बात करें तो ये देखिए प्राइस का कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पर 21,535 से 21,750 आने वाले वीक के लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर हम डेली चार्ट में मोमेंटम को देखें तो डेली चार्ट में मोमेंटम से कुछ बातें पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है ये अगर इसको कंपेयर करें तो यहां हमें RSI के ऊपर में मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आती है, फोर्स इंडेक्स जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में है फिलहाल, तो अभी मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, साइडवेज मूवमेंट रह सकता है और गिरावट की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूं, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को देखिए। ये ट्रेंड लाइन में लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, और या हम बोल सकते हैं ये एक ABCD पैटर्न है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का डिसाइसिव ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन कैंडल का जो लो रहेगा उसका फॉलो थ्रू हुआ तो बहुत बड़ी संभावना बन जाएगी कि निफ्टी 50 इस जोन में आएगा, 20,800 से 20,950 के जोन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये बैंक निफ्टी का वीकली प्राइस चार्ट है और इस इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 44,866.15 पे, और इस तरह से काफी बड़ी गिरावट देखी गई लास्ट वीक में, 2.59% से इंडेक्स टूट गया। अब यहाँ बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एक डिफरेंस है प्राइस एक्शन में, और वो क्या है कि बैंक निफ्टी पिछले दो वीक से गिर रहा है जबकि ये फोर्थ वीक था बैंक निफ्टी के करेक्शन का। सिग्निफिकेंट बात क्या है यहाँ पर, ये जो गैप था काफी बड़ा गैप था इसे इसने फिल कर लिया है और प्राइस करंटली ईएमए 21 और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड के नीचे में ट्रेड हो रही है। तो अब ये करीब करीब सपोर्ट के पास आता हुआ नजर आ रहा है ब्रॉडर एक्शन को देखें तो, और लास्ट वीक में वॉल्यूम प्रायर वीक से कम भी था, यहाँ आप देख सकते हैं प्रायर वीक से कम था, फिर भी एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन था डाउन साइड में। इसके अलावा कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करें तो प्राइस एक्शन को बेहतर समझ पाएंगे। तो ये देखिए एक राइजिंग प्राइस चैनल में ये ट्रेड हो रहा है, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, और यहाँ डाउन साइड में
सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो अगर ये साइक्लिक फिनोमेनन को फॉलो करता है तो प्राइस ये EMA 55 को टेस्ट करके इस लोअर फाइबर को टेस्ट कर सकती है। अगर हम इसकी भी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो एक वेल डिफाइंड प्रायर इंपल्सिव वेव है, पैराबोलिक राइज था, और ये वेव की शुरुआत हुई 42,105 से और अल्टीमेटली ये वेव चली 48,636.45 पे, जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। तो करेंटली अगर देखें तो प्राइस जो है काफी प्रॉक्सिमिटी में है गोल्डन रेशियो के, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे। तो इसका मतलब इमीडिएट सपोर्ट कहाँ हुआ इसका, 44,500 पर इसका इमीडिएट सपोर्ट हुआ, क्योंकि गोल्डन रेशियो जो है वो आ रहा है 44,489.75। इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन को राइज करके देखें तो प्राइस तो ऐसे वर्टिकल तो गिरेगी नहीं, चांसेस कम है, गिरने को गिर सकती है लेकिन चांसेस कम है। तो इसका मतलब प्राइस थोड़ा सा रिकवर करके ऐसे ऐसे कुछ आएगी। तो यहाँ पर अगला लेवल देखें, यहाँ पर तो ये लेवल को ध्यान से देखिए, जहां पर एक माइनर करेक्शन के बाद ये इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ था, वो लेवल आता है 43,960। एक गैप है जो अभी डेली चार्ट पे चलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 43,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर ये EMA 55 का इंटरवेंशन है। तो अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में ताकि फर्दर प्राइस एक्शन को हम समझ सकें। यहाँ डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखें तो ये गैप जो था ये फेल हो चुका है। इसके अलावा प्राइस जो है क्वाइट प्रॉक्सिमिटी में है SMA 200 के और थोड़ा सा नीचे में है SMA 233। यहां पर एक माइनर सा गैप है, ये गैप जो मैंने अभी वीकली चार्ट में आपको बोला वो गैप है जो क्रिएट हुआ था 29 नवंबर 2023 को। तो ये गैप अपने आप में एक सपोर्ट होना चाहिए। तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो है 43,800 से 43,960 का जो जोन है। और 43,800 कहां से आया, ये देखिए मल्टीपल प्राइस का यहां पर रिजेक्शन था और यहाँ पर SMA 233 की वैल्यू जो है करंटली जो है 44,078 है। तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं कि प्राइस गिरने के बाद रिकवरी भी हो सकती है। तो 44,000 एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट तो है 43,800 से 43,960। अब सिंस 43,960 पर गैप है तो ये भी हो सकता है कि प्राइस ब्रीफली 44,000 के नीचे आए और 44,000 को अगले वीक में रिस्पेक्ट कर ले। अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड में सिग्निफिकेंट है कि 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और वो लेवल है 46,030 के आसपास। तो ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि 46,000 एक रेजिस्टेंस है और उसके पहले एक रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, वो रेजिस्टेंस मिलेगा 45,681 जो इस कैंडल का मीडियन निकल के आ रहा है। तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो आने वाली वीक में संभावित रेजिस्टेंस हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगर क्लोजली समझने की कोशिश करें तो ये एक जगह से ये लेवल जो है इसको सेपरेट करता है, तो एक आइलैंड जैसा ही फॉर्मेशन है बैंक निफ्टी में भी। और यहां पर देखिए एक गैप डाउन हुआ था, तो ये गैप कहां पर है, 47,213 पर, 47,213 पर ये गैप है। तो जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर में ट्रेड नहीं होती है, सही मायनों में अपसाइड मोमेंटम डेवलप बैंक निफ्टी में नहीं होगा। तो फिलहाल हम कंक्लूड करते हैं कि आने वाले वीक में 45,681 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है एंड देन 46,000 का लेवल जहां पे ये प्राइस का रिजेक्शन है। यहां पर भी अगर देखें तो ये प्राइस का रिजेक्शन था तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और बहुत ऊपर अगर कैंडल चली गई तो ये लेवल देखिए, यहाँ EMA 21 और EMA 55 है, तो इसको रेजिस्टेंस जो मिलेगा 46,531 पे मिलेगा। तो ये हो गया सप्लाई जोन और डिमांड एरिया बैंक निफ्टी के केस में। बैंक निफ्टी में एक बार मोमेंटम को चेक करते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो RSI बेरिश टेरिटरी में आ चुका है, मोमेंटम खराब है और फोर्स इंडेक्स भी बेरिश टेरिटरी में है। तो इसका मतलब यहां पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि बुलिश स्विंग ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है तब तक मोमेंटम इमीडिएट टर्म्स में डेवलप
नहीं होगा आरएसआई के, मैं बुलिश स्विंग ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं। अब चलिए बढ़ते हैं फिन निफ्टी के प्राइस चार्ट में और उसमें प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के इंडेक्स को, वीकली प्राइस चार्ट है। इसकी क्लोजिंग हुई 20,099.4 पे, तो इसने 20,000 के लेवल को डिफेंड किया है, जिसकी चर्चा लास्ट वीक में भी की गई थी। अब यहां देखें तो इसमें 3 वीक से गिरावट दर्ज की जा रही है इस पैराबोलिक राइज के बाद में, तो मैं कुछ ड्रॉइंग को सुपर इम्पोज करता हूँ। यहाँ देखिए, अगर इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो ये वेव की शुरुआत हुई 18,870 से और फाइनली ऑल टाइम हाई जब बनाया तो ये वेव थी 21,627 पे। तो पहले तो रिट्रेसमेंट एनालिसिस के अनुसार प्राइस जो है काफी प्रॉक्सिमिटी में आ गई है और ये आ गई है 61.8% के प्रॉक्सिमिटी में। लेकिन ये प्राइस जैसे बैंक निफ्टी में एक राइजिंग प्राइस चैनल में प्राइस ट्रेड हो रही है, यहाँ भी वैसे ही प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं। तो इसमें मेजर सपोर्ट कहाँ पर है? इसमें मेजर सपोर्ट है 19,400 से 19,500 का जोन, और एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है जो मैं डेली चार्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो बेरिश कैंडल है इसका मीडियन आ रहा है 20,418 और 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो आ रहा है 20,530। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 20,530 पर है और उसके ऊपर प्राइस चली गई तो 23.6% है 20,900, वो तो काफी दूर है, तो एक वीक में उतना बड़ा जंप आने की संभावना नहीं है। अगर इसके एटीआर वैल्यू को भी देखें तो इसका एटीआर जो वीकली चार्ट पर है 500 पॉइंट का है, 574 पॉइंट का, तो उतना बड़ा मूव होने के चांस नहीं है। तो फिलहाल तो रिदमिक एक्शन ये बोलता है कि प्राइस एक बार ईएमए 55 और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकती है, तो कुछ और गिरावट को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में क्या देखते हैं हम, ये जो इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बैंड है जहां प्राइस ने कई दिनों तक कंसोलिडेट करके यहां ब्रेकआउट दिया, तो ये एक अच्छा डिमांड एरिया है और यहां 19,739 पर एक गैप है। ये देखिए यहां पर एक माइनर सा गैप है, ये गैप क्रिएट हुआ था टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन 29th November 2023 को, तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट है क्योंकि गैप अपने आप में सपोर्ट होंगे। और ये जो जोन हमने निकाला है मेजर सपोर्ट का 19,400 से 19,500, ये इस कंसोलिडेशन बैंड का हिस्सा है जहां पर एसएमए 233 भी है और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। अपसाइड मूव में जैसा बात किए, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 20,530 है और उसके बाद 20,736 है जहां ये प्राइस का रिजेक्शन है और वहां इंटरवेंशन है ईएमए 55 का। आने वाले वीक के लिए हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा कर ली। आपको क्या लगता है कि अगले वीक में मार्केट में करेक्शन और होगा, गिरावट और होगी या फिर मार्केट रिकवर करेगा इस लेवल से? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशी।